हमारा नाम, मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। राजेंद्र जी, किस तरह की दिक्कत है, क्या परेशानी है? बालकेशानंद शिक्षा समिति के डायरेक्टर, NITM कॉलेज के डायरेक्टर श्रीमान अमर सिंह तोमर द्वारा हमारे वृद्धजनों को, महिलाओं को, जो हमारी ज़मीन के सटीक ही ठाकुर बाबा मंदिर है उस पर जाते हैं तो वहाँ डराया धमकाया जा रहा है। हमारे बुजुर्गों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है अमर सिंह तोमर द्वारा। हमारी ज़मीन को कम दामों में लेने के लिए कई तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं अमर सिंह तोमर द्वारा। पहले भी शमशान घाट पर निर्माण किया गया है, और भी सरकारी ज़मीनों पर कंस्ट्रक्शन किया है जो कि पहले भी विज्ञापन में निकला है और कलेक्टर महोदय की निगरानी में भी वो सारा मामला है। जैसे उन्होंने 10 बीघा ज़मीन खरीदी है तो 50 बीघा पे कंस्ट्रक्शन करके रखा है, अपना कब्जा कर रखा है, सरकारी भी है इसमें, जिसमें सरकारी ज़मीन भी है और शमशान की ज़मीन भी है। और हमारा जो उन्होंने कोर्ट में जो डिसीजन आया था कि अमर सिंह तोमर अपना सीमांकन कराया, हमारा सीमांकन हुआ था वहाँ पे, तो उस सीमांकन को उन्होंने अमान्य कर दिया। हमारे सीमांक पटवारी और पटवारी साहब द्वारा जो सीमांकन किया गया उसको अमान्य कर दिया उन्होंने। अब वो अपनी तरफ से सीमांकन कराना चाह नहीं रहे और हमारी भूमि को जबरन घेराव करना चाह रहे हैं। जबरन उस भाटखेड़ी पर है, ठाकुर बाबा कैंपस के बगल में। सबकी मिला के कितनी भूमि हुई जिस पर कब्जा हुआ? 18 बीघा जमीन है हमारी। एक सेकंड, आप आ जाओ। अमर सिंह तोमर 18 बीघा जमीन में कम से कम 40 हिस्सेदार हैं, 40 खातेदार हैं और हम वहाँ पर उस ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं, वो हमें बेचने भी नहीं दे रहा। ये कह रहा है कि हमें दो, तुम 40 लाख रुपए के बीघे वहाँ पर चल रही है, 1.5 करोड़ रुपए के बीघे। अब बताए, और जो शासन द्वारा, पटवारी द्वारा हमने ना सीमांकन कराया उसको मान्य नहीं कर रहा है वो। कोर्ट और कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, कोर्ट ने जो आदेश दिया है। अब उसके बाद क्या किया जाए, मैं आगे बताया, हम इतने परेशान हैं। ज्ञापन दे पे आए SP साहब को, वहाँ पे ना गुंडे पे डाल दिए, उसने 4 बंदूक। अभी ज्ञापन दिया आपने, क्या आश्वासन मिला है? अभी भी आश्वासन मिला है, हम कार्रवाई करते हैं, जांच करवाते हैं। ऐसा बताया गया है कि वहाँ पे एक सरकारी शमशान घाट है, उस पर ही कब्जा कर ले, बिल्डिंग बना ली है उस पर। किस पे बिल्डिंग बना ली है? सरकारी शमशान घाट पर। आपने विरोध नहीं किया? हाँ, हमारे विरोध करने, हम अपनी पूरे गांव ने विरोध किया और पंचनामा भी दे चुके हैं और पेपर में भी कलेक्टर साहब को दे चुके हैं हम, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। अभी वो कोर्ट का और कलेक्टर साहब दोनों के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। गांव वाले अंतिम संस्कार करने कहाँ जाते हैं? अपने खेतों में कर रहे हैं, अपनी निजी भूमि पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंतिम संस्कार। ये ग्राम भाटखेड़ी सिटी सेंटर के किसानों द्वारा यहाँ आज एक ज्ञापन दिया गया है। उनका ये ज्ञापन में शिकायत है, समस्या है कि उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन है उस पर नागाजी कॉलेज के संचालक द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है और उसी कब्जे से मुक्ति के लिए उन्होंने ये आवेदन दिया है। प्लस उनके द्वारा इस किसानों को किसी मामले में फंसाने की धमकी दी जाती है, तो इस प्रकार से उनके द्वारा ये बात उठाई गई है कि कोई भी मामला पंजीबद्ध करने के पहले मामले की जांच की जाए और उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाए। सर, इसके अलावा कॉलेज संचालक द्वारा जो वहाँ पे शासकीय शमशान घाट है उस पर भी कब्जा कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में कई लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम इस मामले को देखते हैं, चूँकि इनके द्वारा कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन दिया गया है, हमारे यहाँ भी आज ज्ञापन दिया गया है, तो हम संबंधित थाने से और संबंधित जो भी राजस्व अधिकारी होगा उसके हम मामले की जांच कराते हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।